हाय गाइस, मैं ना आज बनाने वाली हूँ गोलगप्पे। अब सीन ये है कि मेरे घर में गोलगप्पे जब से कोविड हुआ है तब से आना मना हो गया है, तो मैंने ना ऐसे पैकेट्स ले किया है पानी पूरी के। ये कोई है रचना पानी पूरी पापड़। तो अब होपफुली इसको हम तलेंगे और ये फूलेगा तब हम बना के खाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज मैंने ऑलरेडी आलू की वो बना के रखी हुई है, आलू की सब्जी। और पानी पूरी का पाउडर है मेरे पास एवरेस्ट का, तो आई होप कि बन जाएगा और फिर हम सर्व करके खा पाएंगे अच्छे से। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम करने लगा दिया है। नाउ वी नीड ऑयल। अब ऑयल के साथ हमारे घर का सीन ये है ना कि कतई हम बहुत कम ऑयल यूज करते हैं, तो मैं भी कमी डालने वाली हूँ, तो नहीं पता कैसा बनेगा, बट लेट्स सी। ऊपर से पता आज है बहुत ही ठंडी क्योंकि बारिश हुई है हमारे यहाँ, तो काफी कोल्ड कोल्ड वेदर है और मुझे उसमें से क्रेविंग हो रही है गोलगप्पे खाने की। अच्छा, हम मैंने ना पता इसलिए मंगवा के रखा हुआ था क्योंकि पापा को बिल्कुल नहीं पसंद कि हम ऐसे बाहर खाए, और पापा तो बाहर का होता है तो कभी टेस्ट ही नहीं करते हैं। तो देखो इसमें ना पता 50 पानी पूरी है, तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि हमें कितनी खानी चाहिए। 10-12 तो सही होंगे, ज्यादा मन किया तो खा लेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि पानी पूरी फूलेगा? लाइक मुझे नहीं, मतलब डाउट है। ये फूल रहा है बट इट इज नॉट वेरी बिग, बट इट वर्क्स फॉर मी। आई मीन दिस इज प्रिटी गुड गाइस। मुझे ना नहीं लगा था कि इतना फूलेगा। शिट, मुझे तो मतलब विश्वास ही नहीं था। चलो अच्छी बात है, तो हम लोग और डालते हैं क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा कुकिंग करती नहीं, तो मैं एकदम प्रो नहीं हूँ। आई होप कि टाइम रहते बिना जलाए निकाल लूँ मैं। वैसे पता है पूरी की साइज छोटी है बट मेरे को लगता है कि काम चल जाएगा। एंड आई एम रियली हैप्पी क्योंकि मुझे ना लगा नहीं था कि ये फूलेंगे, एंड ये फूल रहे हैं, काफी अच्छे से फूल रहे हैं। ओ, एक के ऊपर एक चला गया है मेरे भाई। निकलो। वैसे मीठी चटनी के लिए ना मेरे पास टैमरिंड और खजूर की एक वो है। चलो ठीक है, और 3-4 और डालते हैं, उसके बाद बस यहीं तक था। आउच, मेरे हाथ में थोड़ा सा छींटा। मैं पानी पानी हो गई। मेरे को हर गाने का ना डबल मीनिंग दिख जाता, तो मेरे को तो ये गाना कतई डबल मीनिंग लग रहा। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? अरे पता, आज मैं कैमरा पे मैंने ध्यान ही नहीं, कुकिंग करते करते ना मैं इतनी प्रो नहीं कि मैं कैमरा पे ध्यान दे सकूं, बट कोई बात नहीं यार। ये वैसे ना नहीं पता मेरा पूरा टॉप दिख रहा है कि नहीं, इसमें ना ऐसे लिखा हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग मोड ऑन, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। हमारे इंग्रेडिएंट्स, आलू को मैंने ऑलरेडी यू नो चाट मसाला, नमक, फिर कोरिएंडर, फिर मिर्ची सब डाल के मैश करके ऑलरेडी रखा है, और थोड़ी सी आमचूर पाउडर भी। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। यहाँ जो मैं करने वाली हूँ ना, ऐसे एक छोटे ग्लास पानी में हम लोग मिक्स करेंगे थोड़ा सा इसका पाउडर, फिर घोल के देख लेंगे कैसा टेस्ट करता है। इसमें पता लिखा था कि 2 चम्मच इसमें 1 लीटर मिलाना है, तो 1 चम्मच हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत पानी की जरूरत है। और मैं आपको मिलती हूँ प्लेटिंग करने के बाद। सो फाइनली आई एम रेडी विद द प्लेटिंग। आप देख सकते हैं वो है पानी, ये है गोलगप्पे, ये है मीठी चटनी, और ये है आलू की सब्जी। अब आई एम रेडी। यहाँ गोलगप्पे है, ऊपर एक और कैमरा है ताकि मैं खाऊं तो मैं देखूं। वैसे ना ये थोड़ा अलग है, आई मीन इतनी इजीली भी नहीं फूट रहा है, एंड आई गेस ये सिर्फ सूजी का बना है,
आई मीन सीम्स लाइक एनीवेज थोड़ा सा आलू डालो, थोड़ा सा मत डालो, बहुत सारा डालो, और जीवन में काम ही क्या है हमें। अच्छा देखो, मैं ना गोलगप्पे थोड़े गलीच जैसे खाती हूँ, तो मैं इसमें डायरेक्ट ऐसे पानी डालने वाली हूँ। आई होप किसी को बुरा ना लगे। अच्छा है, बट तुम अच्छा इसलिए क्योंकि पानी और चटनी और आलू अच्छे हैं। हम सिर्फ गोलगप्पे की बात करें तो जितना फाइन वो होता है ना पूरी, उतनी फाइन है नहीं है, बट कोई बात नहीं। टैमरिंड की पता चटनी बहुत यम है, मैं तो सब में डाल देती हूँ पता। ये भी एक चटनी में, अगर घर में खट्टा चावल बन रहा है तो मैं डाल देती हूँ। वैसे पता है गाइस, पिछले 2 दिन से मेरे को कतई दांत में दर्द है, तो मुझे ना पता है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैं ये खाऊं तो मैं इस तरफ से ना खा के इस तरफ से खाऊं। पता है इसका टेस्ट ना नड्डे जैसा लग रहा है। क्या वो नड्डा पता है जो फ्राइम्स होते हैं, जिस फिंगर चिप्स जैसे होते हैं ना, टू वे फ्रैंक, जब एक साथ खा रहे हैं ना तो उतना बुरा नहीं लग रहा, बट सूखा, मुझे तो सूखा पापड़ भी अच्छा लगता है ना, तो ये उसमें वो वाली फील नहीं है यार। बट कोई बात नहीं यार, घर बैठे जो मिलता उसी में खुश रहना चाहिए। नहीं बात तो आई है, जब तक चटनी और ये सब के साथ खाते रहोगे ना तब तक अच्छा ही लगेगा। हाँ, मुझे अभी ये रियलाइज हुआ कि जब जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना तो मैं लैपटॉप पे रिकॉर्ड करती हूँ मेरी आवाज़, तो इसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि पंखा भी चल रहा है, मुझे ध्यान नहीं था ऑफ कर देता। एंड टू बी फ्रैंक, मुझे ध्यान रहता भी नहीं क्योंकि किचन से आने के बाद मुझे इतनी गर्मी लगती है ना, देयर इज नो वे। ऊपर से शाम से ऐसी बारिश बारिश थी तो मैंने स्वेट शर्ट पहन रखा था, जब मैं किचन में थी ना तो मुझे गर्मी बहुत तेज लग रही थी, तो मैं यहाँ आके मैं भूल गई कि मुझे फ़ैन ऑफ करके एटलीस्ट रिकॉर्ड करनी चाहिए फॉर बेटर क्वालिटी, बट ठीक है, आई होप एडजस्ट हो जाएगा। मेरे पापा वैसे भी चाट वाट नहीं खाते, पता हाउ बोरिंग। मुझे पहले लगता था कि इट इज अ जेंडर थिंग कि लड़के नहीं खाते हैं गोलगप्पे, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी यू नो हम ना चाहते हुए भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर ही लेते हैं, मतलब सोचा जाए तो, मतलब ये क्या बात है कि गोलगप्पे सिर्फ लड़कियां ही खाएंगे, तो ये भी मेरे दिमाग में ऐसा था जो कि स्टूपिडिटी है, क्योंकि जब हम एक तरफ बोलते हैं लड़कियों की इक्वालिटी की बात तो लड़के क्यों गोलगप्पे से परहेज करें भाई। थ्री मोर टू गो, बट आलू सब शायद 2 के लिए है तो हम उतना ही खाएंगे, सूखी पापड़ पहले ख़त्म कर लेंगे। मुझे पता है मीठी चटनी तो ख़त्म हो भी गई है, ये ना ऐसे सूखी खा लेते हैं क्योंकि ना आलू नहीं बचे, बट पानी तो है ना। आपको पता है मुझे कब से मन कर रहा था, मेरी एक फ्रेंड है और काफी अच्छी फ्रेंड है वो मेरी, और उसने एक बार बनाया था गोलगप्पे का वीडियो, कोई रेडीमेड गोलगप्पा था तो उसने उसका वीडियो बनाया था। उस दिन से जब से मैंने देखा ना तब से मेरे को गोलगप्पा खाना था, और मैंने बोला पापा को, बट नहीं इल्ला नहीं लाएंगे, बच्चा क्रेविंग से मुंह खुला के बैठा है फिर भी नहीं लाया उन्होंने, तो फाइनली मैंने बिग बास्केट में ये ऑर्डर कर लिया। बट हाँ, मुझे लगा था ये थोड़ा बेटर होगा, ऐसा नहीं हुआ।
अब हमारी आखिरी बची है तो इसके साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। ये मुझे लग रही है मिर्ची, तो मैं हाथ वाथ धो लूं। सो बाय बाय माँ, मेरे को इतने देर से देखने के लिए, मुझे झेलने के लिए और मुझसे बहुत सारा प्यार करने के लिए। बाय बाय।